हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंदौरी छोरी में। सो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी ब्लैक कुर्ती को कन्वर्ट किया है क्यूट लिटिल ड्रेस में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरी ब्लैक कुर्ती, ये कुछ इस तरह की है। बॉटम में अच्छी खासी बॉर्डर लगी हुई है इसमें आगे की साइड में, और ऊपर एक लेयर और आ रखी है इस तरह की पाइपिंग लगी हुई। इसका पैटर्न जैकेट पैटर्न है ऊपर की साइड से, एज यू कैन सी। सो इस कुर्ती में जैकेट जो है ना वो अलग से नहीं है, जो बैक वाला फैब्रिक है उसी में साइड में अटैच किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जैकेट वाला हिस्सा है आगे वाला, इसे हम सेपरेट कर लेंगे। सो मैं यहाँ साइड से इसकी स्टिचिंग खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं सिम रिपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्टिचिंग खोलना ईजी लग रहा है मुझे, दैट्स व्हाई। सो यहाँ से जितनी स्टिचिंग खुल पा रही है उतनी स्टिचिंग दोनों साइड से मैं खोल लूँगी। सी अब जो ये आर्म होल वाला साइड है, जो फिनिश किए हुए हैं आर्म होल, इसे कट करना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड के आर्म होल को सेम प्रोसेस फॉलो करके कट कर लेना है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे कट करना है इसे, बिकॉज हमें इसे बाद में वापस से फोल्ड करना रहेगा ड्रेस के लिए। सो एकदम कॉर्नर कॉर्नर से इसे कट कर लेना है। दोनों साइड के आर्म होल कट करने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे उल्टी साइड में ओपन कर लेंगे। इसे उल्टी साइड में ओपन कर लेने के बाद में अब जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसे भी सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ भी इजीली शोल्डर खुल पा रहे हैं, सो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे। ये जो कॉलर वाला हिस्सा है इसे भी सेपरेट कर लेंगे। दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरह से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट होने के बाद में ये कुछ इस तरह के शेप में हमारे पास आया है। कॉलर हमने हटा दी है, अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड कर लेने के बाद में अब इस पे हम नेक की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ मैं अपने ड्रेस का बैक नेक 3 इंच रखने वाली हूँ। सो मैं इसे 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लूँगी और इसे एक प्रॉपर राउंड शेप दे दूँगी, देन इसे कट कर लूँगी। जैकेट सेपरेट करने के बाद में, पीछे का नेक कट करने के बाद में ये मेरे पास में कुछ इस शेप में आ गया है। अब जो इसके आर्म होल हमने कट किए थे वो आर्म होल वापस से फिनिश कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं यहाँ इसे अंदर की साइड में फोल्ड करके फिनिश करने वाली हूँ। सो दोनों साइड के आर्म होल को सेम प्रोसेस फॉलो करके फिनिश कर लेना है। आर्म होल फिनिश कर लेने के बाद में जो ये नेक है इसे भी फिनिश कर लेंगे। अब इसके शोल्डर भी अटैच कर देंगे और साइड स्टिच कर लेंगे। सो सी यहाँ मैंने आर्म होल फिनिश कर दिए हैं, नेकलाइन फिनिश कर दिए हैं, साइड स्टिच कर ली है। अब हम आते हैं कुर्ती के डाउन साइड में और इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क कर लेंगे कि हमें हमारी ड्रेस की लेंथ कितनी चाहिए। सो यहाँ मैं अपनी ड्रेस की लेंथ 40 इंच रखने वाली हूँ। सो मैं इसे शोल्डर से लेके यहाँ पे 40 इंच पे मार्क कर लूँगी। इसे मार्क कर लेने के बाद में ऑल ओवर इसे मार्क कर लूँगी 40 इंच पे। मार्किंग्स के बाद में इसे कट कर लेंगे सिंपली। सो यहाँ इतना फैब्रिक मेरे पास कट हो चुका है ऑलरेडी।
अब जो ये एक लेयर और थी जिसमें पाइपिंग लगी हुई थी, उस लेयर को भी प्रॉपरली कट कर लेंगे कॉर्नर कॉर्नर से। इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे नीचे की साइड से हैम कर लेंगे। रिमेम्बर यहाँ पे मेरे पास तीन लेयर है, तो पहले एक लेयर हैम होगी, उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर है वो अलग से हैम होगी। एंड दैट्स इट, हमारी क्यूट लिटिल ड्रेस रेडी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।